हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ई इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली पोर्टल से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एंड अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग टैक्स इनवॉइसेस, तो अब वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये देखेंगे। वीडियो बहुत 2D पॉइंट रहेगा, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको पोर्टल में लॉग इन करना है। पोर्टल में लॉग इन करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन बताया था कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वैसे ही अगर ईवे बिल में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसका जो लॉग इन आईडी है, पासवर्ड, उसी के थ्रू आपको ई इनवॉइस सिस्टम में भी लॉग इन करना है। आप लॉग इन हो चुके हैं, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ई इनवॉइस टैब दिखेगा, उसमें बल्क अपलोड है। बल्क अपलोड के ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या अपलोड करना है, बल्क ई इनवॉइस जेसन फाइल। अगर जेसन फाइल की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है जिसमें हम डिटेल्स डालेंगे, तभी जेसन फाइल होगी बनेगी और जेसन फाइल हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ रेड में नोट भी दिया है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ई इनवॉइस जेसन फाइल फॉर बल्क जनरेशन प्लीज गो टू बल्क जनरेशन टूल अंडर हेल्प टूल्स। तो अब आपको क्या करना है, आपको ई इनवॉइस विदाउट लॉगिन जो होम पेज है, होम पेज में आप हेल्प टैब देखेंगे। हेल्प टैब में आपको टूल्स दिखेगा, टूल्स में बल्क जनरेशन टूल्स दिखेगा। बल्क जनरेशन टूल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन कौन से यूटिलिटीज हैं जिसके थ्रू आप ई इनवॉइस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर फोर फॉर्मेट्स दिखेंगे, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी। ये फॉर्मेट को ही यूज करके आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब मैंने फॉर्मेट ए डाउनलोड करा है, तो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट ए दिखता कैसे है। दीज आर द यूटिलिटीज थ्रू विच वी कैन जनरेट ई इनवॉइस। इसके बाद आपको फॉर्मेट ए ओपन हो जाएगा। ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है हर फॉर्मेट में कि ये फॉर्मेट किस पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। तो फॉर्मेट ए जो है, इस ये आप B2B इनवॉइसेस, SEZ एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। बट जो डिफरेंस है ये चारों फॉर्मेट्स में, वो ऐसा है कि फॉर्मेट ए बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। मतलब अगर आपके पास कम इनवॉइस है या कम डिटेल्स है जिसके जिसके लिए आपको इनवॉइस इश्यू करना है, तो उसके आप फॉर्मेट ए यूज करेंगे। बट थोड़ी ज्यादा डिटेल्स है तो उसके लिए फॉर्मेट बी है, फिर फॉर्मेट बी में कुछ और डिटेल्स ऐड करके फॉर्मेट सी बना दिया, फॉर्मेट सी में भी कुछ डिटेल्स ऐड करके फॉर्मेट डी बना दिया। फॉर्मेट ए में सिर्फ एक ही शीट आपको मिलेगी जिसमें आपको इनवॉइस डिटेल डालना है। वैसे ही फॉर्मेट बी में दो शीट्स प्रोवाइड किए, एक शीट में जो उसमें आप इनवॉइस डिटेल डालेंगे और एक शीट में आपको आइटम्स डिटेल्स बतानी है, सेपरेट शीट कर दिया। फिर वैसे ही फॉर्मेट बी में थोड़ा सा और एड ऑन कर दिया, एड ऑन क्या किया है, फॉर्मेट सी लिया है जिसमें सारी सेपरेट शीट्स रहेगी इनवॉइस डिटेल के लिए, आइटम डिटेल के लिए, पेमेंट डिटेल के लिए, रेफरेंस डिटेल के लिए एंड एडिशनल डिटेल के लिए। वैसे ही फॉर्मेट डी भी एक्स्ट्रा है जिसमें एक्सपोर्ट डिटेल ऐड ऑन कर दिए। तो ये आपको पहले समझाया गया है, उसके बाद आप जब साइट की शीट में क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल नाम है, प्रोफाइल नाम में आपको सेलर का जीएसटीएन डिटेल्स डालना है। सेलर के जीएसटीएन में जीएसटीएन नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आप डालेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसका येस या नो में आपको जवाब देना है। जो आप यस सेलेक्ट करेंगे तो क्या है, ई इनवॉइस शीट में उतने कॉलम्स एड ऑन होते जाएंगे। जैसे डू यू हैव अ रिवर्स चार्ज, यस और नो, अगर यस है तो फिर रिवर्स चार्ज की डिटेल्स के लिए भी कॉलम एड ऑन हो जाएंगे। डू यू हैव ई कॉमर्स जीएसटीएन, डू यू हैव बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन डिटेल्स। आप ऐसा टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं जिसमें आपको बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम की भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसके लिए भी कॉलम एड ऑन हो जाएगा। बिल टू, शिप टू डिटेल डालनी है तो उसके लिए अलग कॉलम एड ऑन हो जाएगा। तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसके आप जवाब दे देंगे। देन आप जब नेक्स्ट शीट में जाएंगे जिसका नाम ई इनवॉइस है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी है, सप्लाई टाइप कोड क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, ई कॉमर्स, IGST ऑन इंट्रा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स बतानी है, बायर डिटेल्स बतानी है। देन आप स्क्रॉल करोगे तो डिस्पैच डिटेल्स बतानी है, शिपिंग डिटेल्स बतानी है,
प्रोडक्ट डिटेल्स बतानी है, बैच डिटेल्स बतानी है, वैल्यू डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स अगर एक्सपोर्ट है, ईवे भी डिटेल्स अगर ईवे बिल जनरेट है, जब ये पूरी डिटेल्स आप हर इनवॉइस वाइज देंगे, उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है. वैलिडेट ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखेगा. वैलिडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एरर्स पता चल जाएंगे सबसे लास्ट कॉलम में अगर होंगे तो. अगर एरर्स नहीं है तो वैलिडेट हो जाएगी आपकी शीट. और देन आपको प्रेस करना है प्रेस प्रिपेयर जेसन. जैसे ही आप प्रिपेयर जेसन में करेंगे तो जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी. अगर आपको इसमें भी नहीं समझ आएगा तो साइट की शीट्स में उन्हें मास्टर कोड्स भी दिए हुए हैं, सैंपल इनवॉइस भी बना के दिए कि कैसे आप बताना क्या क्या डिटेल्स डालेंगे तो कैसे आप आपकी जो शीट है वो सिंगल इनवॉइस, सिंगल आइटम, सिंगल इनवॉइस, मल्टीपल आइटम, इन सब के लिए ऑलरेडी उन्हें सैंपल प्रोवाइड करके रखा है. तो आप इनसे जो जेसन क्रिएट होगी, देन आपको पोर्टल में जाना है. पोर्टल में जाके आप जहां हमने लेफ्ट हैंड साइड में इनवॉइस टैब देखा था, बल्क अपलोड देखा था, बल्क अपलोड में आपको जेसन फाइल अपलोड करना है. जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं उसके लिए IRN नंबर जनरेट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट इनवॉइस थ्रू द पोर्टल. नाउ वी विल सी कि हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर फॉर जनरेटिंग इनवॉइस. तो अब हम उसके लिए पहले टैली पे चलते हैं. जो टैली का रहेगा प्रोसेस वो ही आपके सॉफ्टवेयर के लिए रहेगा. जो भी अगर आप क्लियर टैक्स यूज कर रहे हैं, व्हाट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर जनरेटिंग टैक्स इनवॉइसेस. तो अब यहाँ पर आपको जैसे टैली है तो टैली में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ई इनवॉइस वाला जो ऑप्शन है उसको एनेबल करके रखना है. तो उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है. क्रिएट में आप जीएसटी डिटेल्स में जाएंगे. जीएसटी डिटेल्स में आपको ये देखना है कि आपकी जो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उसको यस करे, कब से एप्लीकेबल है, बिल फ्रॉम प्लेस, ये सारी डिटेल्स जो है ये आप पुट करें. जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप कोई भी बिल जनरेट करेंगे तो बिल जनरेट करने के बाद वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इसमें ई इनवॉइस यूज करना है कि नहीं. इसके बाद आप एज इट इज जैसे सेल वाउचर एंटर करते हैं आप वैसे एंटर करेंगे, जिसमें आपको वाउचर नंबर बताना है, डेट बताना है, पार्टी नेम बताना है, डिस्पैच डिटेल है तो आप बताइए. पार्टी डिटेल्स पूरी कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि इनवॉइस में सारी चीजें जाती हैं. वैसे आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी बताएंगे, रेट बताएंगे. इसके बाद आप सीजीएसटी एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे. इम्पॉर्टेंट अब आती है, इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल. तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है. फिर आपको प्लेस ऑफ पार्टी देना है, बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस, क्योंकि जो इनवॉइस डिटेल है वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जब आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे. फिर आपको एंटर करना है, आपको एक्सेप्ट पे यस करना है. डू यू वॉन्ट टू जनरेट इनवॉइस, यस. अब ये वाली बात आती है इनवॉइस लॉगिन डालने की. अब यहाँ लॉगिन क्या होगा, काफी जगह क्लियर नहीं है कि यहाँ क्या लॉगिन होगा. तो यहाँ पर एपीआई लॉगिन होगा, ना कि जो ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन है वो नहीं, एपीआई लॉगिन. दैट मींस आपको एपीआई यूजर क्रिएट करना पड़ेगा पोर्टल में. चलिए अब अपन फिर से पोर्टल पे चलते हैं. पोर्टल पे गए, लॉगिन है. लॉगिन में आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, वहां पर आपको यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है. क्रिएट एपीआई यूजर, इस पे क्लिक करना है. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा, जो कि जीएसटी साइट पे रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे जाएगा. जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो एक ये विंडो अपियर होगी. एक्चुअली मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ. उसके बाद ओटीपी डालने के बाद एपीआई रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी. डू यू विश टू रजिस्टर योर जीएसटीएन फॉर एपीआई इंटरफेस थ्रू जीएसपी ईआरपी थ्रू क्लाइंट आईडी ऑफ अदर जीएसटीएन. तो आपको थ्रू जीएसपी पे क्लिक करना है. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर तीन टैब ओपन हो जाएंगे. फर्स्ट वो पूछेगा कि आप कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं. अगर आप टैली यूज करें तो टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन आएगा स्क्रॉल डाउन में, आप वहां सिलेक्ट कर लीजिए. क्लियर टैक्स है तो क्लियर टैक्स का आएगा. जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर वहां पर रजिस्टर्ड है. अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा होगा इनवॉइस डिटेल ऑप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा इनवॉइसिंग का, तो वो एपीआई यूजर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा. रजिस्टर्ड होगा तो आपको ड्रॉप डाउन में उसका नाम जरूर दिख जाएगा.
फिर आप सिलेक्ट करेंगे, आपसे फिर एपीआई यूजर नेम डालने बोलेगा, तो आप जो भी यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं आप वो डालेंगे, देन पासवर्ड डालेंगे एंड री एंटर पासवर्ड करेंगे, तो ऐसे आपका एपीआई यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा फिर आपको टैली पे चलना है। टैली में आप जाएंगे, हम अभी इस स्टेप पे हैं, ई इनवॉइस लॉगिन डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर यूजर नेम में आपको एपीआई अंडरस्कोर जो आपने यूजर नेम बनाया वो डालना है, पासवर्ड डालना है, एंड जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो ई इनवॉइस है IRN वो जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू जनरेट ई इनवॉइस थ्रू सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि हमने जनरेट कर लिया, अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना है, तो कैंसिल करने के लिए जब आपके पास ARN जनरेट होगा, IRN जनरेट होगा, तो IRN की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और QR कोड, ऐसा कुछ आपका जनरेट हो जाएगा। अब हमें कैंसिल अगर करना है तो कैंसिल के लिए अगेन लेफ्ट हैंड साइड में ई इनवॉइस है, इनवॉइस में कैंसिल टैब है, कैंसिल टैब में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बेस्ड ऑन आप कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कैंसिल करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN, आप वो सिलेक्ट करें। जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिए इनवॉइस से देख के, और फिर आपका वो पर्टिकुलर इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लें, तो जब ई इनवॉइस जनरेट होता है तो कुछ इस तरह का दिखेगा, सबसे पहले इनवॉइस डिटेल, देन ट्रांजैक्शन डिटेल, पार्टी डिटेल एंड आइटम डिटेल्स होंगी, और अगर वो कैंसल्ड है तो उसी इनवॉइस में आपका कैंसल्ड भी लिखा जाएगा। तो अगर कोई कैंसिल करके आपने आपने कोई कैंसिल करे इनवॉइस, तो उसको डाउनलोड करके सेव करें। तो ये दो तरीके थे जिससे आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि नया आया है, वो है GST e-invoice preparing and printing tool, that is GEPP। ये और सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें आप एक ही क्लिक से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको GEPPI डाउनलोड टूल में ये डिटेल्स डालनी है, तो ये और सिंप्लीफाइड वर्जन है टू जनरेट इनवॉइस। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आज पहला दिन है तो अब आप स्मूथली इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।